السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد عند الله فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. تمام تعريف और कसम की बड़ाई और किबरियाई उस अल्लाह तबारक व तआला के लिए है जिस अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको अपनी इबादत के लिए दुनिया में पैदा किया, आसमान से अपनी किताब का नुज़ूल फरमाया जो सरापा हिदायत है, रोशनी है, कामयाबी का रास्ता है। सलाम हो इसके बाद अल्लाह के आखिरी नबी इमामुल अंबिया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाते ग्रामी पर जिन्होंने हम तक अल्लाह का दीन पहुंचाया, हिदायत का रास्ता दिखाया, हक वाजह किया, उसको कबूल करते हुए हिदायत के रास्ते पर चलने की अपनी उम्मत को ताकीद फरमाई। कुफ्र और शिर्क, बिदात और खुराफात और गुनाहों मासी से अपनी उम्मत को मना किया और उसके भयानक अंजाम को बयान किया, भयानक अंजाम से डराया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و صلاة کے بعد آج 6 رمضان المبارک 1442 ہجری مطابق 18 اپریل 2021 عیسوی आपकी खिदमत में ये दर्स जो कुरानी मिसालों पर मुश्तमिल है पेश किया जा रहा है। मैंने जो आयत करीमा आपके सामने पढ़ी वो सूरे नूर की आयत है, सूरे नूर की दो आयतें 39 और 40। इस आयत करीमा या इन दो आयतों का तर्जमा ये है, अल्लाह ताला काफिरों के मुतालिक बयान फरमाता है, अहले बातिल के मुतालिक, वल्लदीन कफरू अमालहुम कसराब,
और जिन लोगों ने कुफर किया यानी काफिरों की मिसाल उस चमकती हुई रेत के मानिंद है, बिकियाती यहसबहु ज़मआनु मा, काफिरों के आमाल की मिसाल उस चमकती हुई रेत की तरह है जो चटियल मैदान में हो, जिसको देखकर प्यासा दूर से पानी समझता है। हत्ता इदा जाअहु लम यजिदहु शैआ, यहां तक के जब उसके पास वो पहुंच जाता है तो उसको कुछ नहीं मिलता, वो कुछ नहीं पाता। ववजदल्लाहा इंदहु फवफ्फाहु हिसाबा, हां अल्लाह के पास जब जाएगा, अल्लाह के पास उसको पूरा, अल्लाह के पास अपना हिसाब पाएगा और उसको पूरा पूरा हिसाब मिल जाएगा। वल्लाहु सरीउल हिसाब, और अल्लाह ताला बहुत तेज जल्द हिसाब लेने वाला है। औ कज़ुलुमातिन फी बहर, फी बहरिल लुज्जी यगशाहु मौजुन मिन फौकिही मौज मिन फौकिही सहाब, या इन काफिरों के आमाल की मिसाल, इन अहले बातिल के आमाल की मिसाल उन अंधेरों के जैसे है जो निहायत गहरे समंदर की तह में हो, जिसके ऊपर मौज है, मौज हो, ये मौजों ने उसको ढांप रखा हो, और मौजों के ऊपर फिर बादल छाए हुए हैं। ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ, अंधेरे एक के ऊपर एक हैं, यानी पे दर पे अंधेरे हैं। إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا, हालत ये है अंधेरे की, डार्कनेस की या जुल्मतों की, कि ये जब अपना हाथ निकाले तो शायद इसका हाथ भी इसको नजर ना आए, ये अपने हाथ को ना अंधेरे की वजह से देख पाए। وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ, حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ جسے نور نہ دے, اللہ جس کو روشنی نہ دے, اس کے پاس کوئی روشنی نہیں ہوگی۔ محترم سامعین, یہ ان آیتوں کا ترجمہ تھا جو آپ نے ابھی سماعت فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کی مثالیں, دو مثالیں ان آیتوں میں دی ہیں, اہل کفر کی, اہل باطل کی, اہل شرک کی, اہل بدعت کی, اہل خرافات کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے دو مثالیں دی ہیں, ایک سراب اور دوسرے اندھیرا۔ ایک سراب, سراب کہتے ہیں دور سے جو انسان کو پانی کی طرح ریت میں, ڈیزرٹ میں جہاں ریت ہوتی ہے ہر طرف, تو ریت میں جب سورج کی روشنی پڑتی ہے تو وہ ریت چمکتی ہے اور دور سے وہ پانی نظر آتی ہے, ایسا لگتا ہے کہ وہاں پانی جمع ہوا ہے, اور ایسی کچھ روڈوں پر بھی آپ کو نظر آئے گا, روڈوں پر بھی دور سے آپ دیکھیے جب دوپہر کا وقت یا سورج جب نکلا ہوا ہوتا ہے تو انسان کو جو ہے دور سے پانی نظر آتا ہے ہلکا سا, یہ حقیقت میں پانی نہیں ہوتا ہے, وہ نظر آتا ہے لیکن جو چیز نظر آتی ہے وہ ہوتی نہیں ہے۔ وہ سراب کی مثال اللہ تعالی نے دی ہے جو ریت میں, اچھا یہ ریت بھی کہاں ہے, بقیعتن, چٹیل میدان میں, سبحان اللہ, ہر طرف میدانی میدان ہے, کچھ نہیں ہے وہاں فائدے کی چیز, کھانے کی چیز, پینے کی چیز, استعمال کی چیز کچھ نہیں ہے, صرف پورا میدان پڑا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں اس چٹیل میدان میں جو سراب ہوتا ہے, سراب سین سے, جس کا مطلب یہ ہے کہ ریت میں جو چمکتی ہے چیز, ریت جو سورج کی کرنوں کی وجہ سے, سورج کی دھوپ کی وجہ سے چمکتی ہے اور دور سے پانی کی طرح نظر آتا ہے, یہ مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے ایک, اور دوسری مثال اللہ نے ظلمات کی دی ہے, دوسری آیت اندھیروں کی۔ آئیے دیکھیے, سمجھتے ہیں کیسے اہل باطل کو ان مثالوں کے ذریعے سمجھایا گیا ہے کہ وہ جو سمجھتے ہیں وہ ہوتا نہیں ہے, وہ جو سمجھتے ہیں وہ ہوتا نہیں ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں, ہم کو فائدہ ہوگا اور ہم ہدایت کے راستے پر ہیں,
हमारे पास इल्म है, हमारे अकीदे सही है, हमारा मनहज सही है, जबकि ये सब हकीकत में कुछ नहीं है। क्यों? इसलिए कि वो बातिल पर है, और बातिल को बातिल इसलिए कहा गया कि वो कुछ होता ही नहीं है। बातिल यानी बेकार चीज, जिसका वजूद ना हो। जैसे शराब का कोई वजूद नहीं होता है, पानी नजर आता है प्यासे को जो दूर से देखता है, लेकिन वो हकीकत में पानी नहीं होता है। वैसे ही जिहालत की वजह से इंसान समझता है कि वो बिल्कुल सही रास्ते पर है, बिदअत करता है, समझता है कि मैं सुन्नत पर हूं, कुफ्र करता है, मैं समझता हूं कि मैं सिराते मुस्तकीम हिदायत के रास्ते पर हूं, शिर्क करता है और समझता है कि मेरा अकीदा बिल्कुल सही है और मुझे इससे फायदा होगा। तो जैसे प्यासा जब करीब जाता है शराब के चमकती रेत पर जो पानी की तरह उसको नजर आता है, लेकिन जब वहां पहुंचता है इस उम्मीद में कि शायद पानी मिल जाए, उसके हाथ कुछ नहीं लगता, पानी वहां होता ही नहीं है, वो तो नजर आया उसको। तो बिल्कुल जैसे पानी की कोई हकीकत नहीं है वहां पर, तो वैसे इनके आमाल जो गैरुल्लाह के लिए किए गए, चाहे वो कुफर हो या शिर्क हो या अल्लाह के हुक्म के खिलाफ इन लोगों ने अमल किया, अल्लाह का हुक्म सुन्नतों पर अमल करना है, तो उस अमल का फायदा इंसान के लिए होगा। वो अमल देखिए, दो ही अमल ऐसे हैं जिसका फायदा इंसान को होगा। एक वो अमल जो खालिस अल्लाह के लिए किया जाए, और वो अमल जो अल्लाह के हुक्म पर अमल करते, अल्लाह के हुक्म पर सुन्नत के तरीके पर अमल किया जाए, क्योंकि अल्लाह का हुक्म यह है कि हम सुन्नत के मुताबिक अमल करें। तो अगर अमल गैरुल्लाह के लिए हो, सुन्नत के खिलाफ हो, उसका बिल्कुल कोई फायदा इंसान को नहीं होता है। जैसे शराब को देखकर पानी समझने वाला प्यासा जब वहां पहुंचता है तो उसको पानी नहीं मिलता है और खाली हाथ वो लौट जाता है। और सुभान अल्लाह, अल्लाह ने शराब की मिसाल भी कैसी दी है, बिकिया चटियल मैदान। ये नहीं कि चलो पानी तो नहीं मिल रहा है लेकिन आजू बाजू कोई फायदे वाली चीज, कोई खाने पीने की चीज नहीं हो जाए कि जिससे उसका जो है उसकी प्यास बुझ जाए या उसकी जरूरत पूरी हो जाए, ऐसा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो शराब है वो पूरे चटियल मैदान में, वो जो रेत है पूरी दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत है, डेजर्ट, कुछ भी नहीं है खाने की चीज पीने की चीज। कोई इंसान जो उसको पानी दे दे, उसकी प्यास बुझ जाए, उसको खाना दे दे, उसकी भूख खत्म हो जाए, कुछ नहीं। अल्लाह ताला ने मिसाल देकर बयान किया, अहले बातिल का भी यही हाल होता है, उनके सारे अमाल बर्बाद हो जाते हैं। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह फुरकान की एक आयत में इन लोगों के अमाल की बर्बादी का जिक्र किया है, फरमाया वकदिमना इला मा अमिलु मिन अमलिन, वकदिमना इला मा अमिलु मिन अमलिन फजअलनाहु हबा मंसूरा। इन लोगों ने जो भी अमल किया वो तमाम आमाल को इनके हमने उड़ते हुए भूसे के जैसे बना दिया। भूसा जब उड़ता है तो उसकी क्या हकीकत होती है? कुछ नहीं होती है। तो यहां अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमा रहा है कि इसकी मिसाल इन लोगों के आमाल की ऐसी यही मिसाल है। और गौर कीजिए, जो आयत हमने मिसाल में पेश की है शराब की, अल्लाह ने किया जो कहा है कि जमीन खाली है, ना वहां कोई बनावट है, क्योंकि डेजर्ट है, पूरा चटियल मैदान है जहां पर धूप की वजह से उसको पानी नजर आ रहा है। अल्लाह ने मिसाल दी है, बयान किया चटियल मैदान की भी, तो चटियल मैदान हैया ऐसा, ऐसी जमीन जो बनावट से खाली है, ना कोई नबात है, ना कोई पौधे हैं, ना कोई दरख्त है, ना कोई बसने वाले लोग हैं, तो उसको क्या फायदा होगा वहां बताइए? कोई फायदा नहीं होगा। वो समझता है यहसबहु दमआनु प्यासा उसको पानी समझकर पहुंच जाता है, उसकी शिद्दत है प्यास की, और वो उस शराब के पीछे जाता है अपनी जरूरत को पूरी करने के लिए। तो यहाँ इन लोगों के आमाल जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के खिलाफ हैं या अल्लाह के बताए हुए तरीके के खिलाफ हैं, तो इनका भी यही हाल होगा। ये समझेंगे कि हमें कुछ मिलेगा वहां पर, बड़े हाजतमंद होते हैं, अपनी बड़ी जरूरतमंद होते हैं, ये समझते हैं कि हमारी जरूरतें पूरी होंगी, हमारे आमाल का बेहतरीन बदला हमको मिलेगा, लेकिन पहुंचने पर कुछ हाथ नहीं लगता है। जैसे कि अल्लाह ने फरमाया हत्ता इदा जाहु, जब प्यासा वहां पहुंच जाता है उस शराब के पास, लम यजिदहु शैआ,
कोई चीज उसको नहीं मिलती है। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये लोग जो कुफर करते हैं इनको कुछ नहीं मिलने वाला है कयामत के दिन। ये लोग जो शिर्क करते हैं इनके शिर्क का कोई जर्रा बराबर फायदा इनको होने वाला नहीं है। ये लोग जो बिदात या खुराफात में पड़े हुए हैं, सुन्नतों की मुखालिफत करते हैं, इनको कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है। हदीस शरीफ में, बुखारी की हदीस, अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कयामत का दिन होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन आएगा बंदों का हिसाब करने के लिए, जहन्नम को लाया जाएगा और जहन्नम को शराब के जैसे दिखाया जाएगा। ये शराब की मिसाल हदीस में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। जहन्नम को लाया जाएगा और जहन्नम उनको शराब के जैसे नजर आएगी, प्यासे होंगे, परेशान हाल होंगे अहले बातिल। कहा जाएगा यहूदियों से तुम किस चीज की इबादत करते थे, वो लोग कहेंगे यहूद हम उज़ैर अल्लाह के बेटे की इबादत करते थे, रुज़बिल्ला। तो उनसे कहा जाएगा तुम झूठ बोलते हो, ना अल्लाह की कोई बीवी है ना अल्लाह का कोई बेटा है, क्या चाहते हो तुम। वो कहेंगे आप देख रहे हैं कि हम कितने प्यासे हैं, परेशान हाल है, हमको पानी चाहिए। उनसे कहा जाएगा इशरबो, जाओ वहां पियो, जहन्नम शराब के जैसे नजर आएगी। और उसे कहा जाएगा वो जो नजर आ रहा है ना वहां, वहां जाओ पियो, जाकर पियो। फैतसाकतून फी जहन्नम, तो वो वहां टूट पड़ेंगे, वो समझेंगे पानी है जहन्नम को शराब जो नजर आएगी, टूट पड़ेंगे एक दूसरे को गिरा और जहन्नम में जो है गिर जाएंगे, जहन्नम में दाखिल हो जाएंगे। फिर उसके बाद नसारा को बुलाया जाएगा, उनसे कहा जाएगा मा कुंतुम तअबुदून, तुम किस चीज की इबादत करते थे। फयकुलून, वो लोग कहेंगे हम ईसा अल्लाह के बेटे की इबादत करते थे, नऊज़ बिल्ला। कहा जाएगा झूठ बोलते हो, अल्लाह की तो कोई बीवी नहीं है, अल्लाह का कोई बेटा नहीं है, अच्छा बताओ क्या चाहिए तुम्हें। तो वो लोग भी वही कहेंगे हम बहुत प्यासे, हमको पानी चाहिए। तो उनको कहा जाएगा देखो वहां पर दूर, तो वो देखेंगे जहन्नम को, तो जहन्नम उनको शराब के जैसे नजर आएगी, जो कुरान की शायद में जो हमारे दर्स की आज की आयत उसमें मिसाल जो दी गई है। तो हदीस शरीफ में नबी अलैहिस्सलाम ने भी शराब की मिसाल दी और बयान किया इन अहले बातिल को शराब पानी के जैसे नजर आएगी, शराब नजर आएगी जहन्नम। तो उनसे कहा जाएगा जाओ पियो, वो जाकर जहन्नम में गिर जाएंगे। बिल्कुल यही हाल हर बातिल वाले का होता है, चाहे वो कुफर करे जो के बातिल है, चाहे वो शिर्क करे जो बातिल है, चाहे वो बिदअत करे जो बातिल है, सुन्नत की खिलाफ वर्जी है, इनकी हाल यही है, इनका हाल भी यही होगा। ये शराब के जैसे दौड़ते जा रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि हमारे पास जो है हमारे पास ये लोग हैं गैरुल्लाह जो हमें फायदा पहुंचाएंगे, लेकिन इससे कोई फायदा इनको नहीं होगा, बल्कि इनका अमल चूंकि गैरुल्लाह के लिए था या अल्लाह के हुक्म के खिलाफ था तो इनको कुछ नहीं मिलेगा। जैसा कि अल्लाह ने बयान फरमाया शराब को देखकर प्यासा जब जाता है तो उसके हाथ कुछ नहीं लगता है। वजदल्लाह इंदहु फवफ्फाहु हिसाबा वल्लाहु सरीउल हिसाब, आगे अल्लाह ताला कहता है कि ये गुमराह शख्स जब अल्लाह के पास जाएगा तो अल्लाह के पास अपने किए की सजा पाएगा, अल्लाह इसका पूरा पूरा हिसाब लेगा, इसका हिसाब पूरा हो जाएगा। वल्लाहु सरीउल हिसाब, और अल्लाह ताला तेज जल्दी हिसाब करने वाला है। दूसरी मिसाल अल्लाह ताला ने दूसरी आयत में दी है अंधेरों से, औ कदुलुमातिन फी बहर, समंदर गहरा समंदर, फी बहर लुज्जीन गहरे समंदर में जो अंधेरा होता है, यगशाहु मौजुन मिन फौकिही, समंदर के अंदर गहरे समंदर के अंदर जो अंधेरा होता है उसके ऊपर मौजों का अंधेरा और मौजों के ऊपर मिन फौकिही सहाब, काले बादल। तो बादल भी अंधेरा, बादल भी आपको आपने गौर किया होगा जब आसमान पर काले बादल छा जाते हैं तो रोशनी खत्म हो जाती है, जमीन पर बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे शाम हो गई है, ऐसा लगता है जैसे रात आ गई है, गहरे काले काले बादल। वही अल्लाह ने बयान किया ऊपर काले बादल अंधेरा जमीन, ठीक है, समंदर के ऊपर काले बादल का अंधेरा और फिर मौजों का अंधेरा, फिर अंदर जो गहराई है समंदर की उसका अंधेरा, यानी एक के बाद एक। इसीलिए अल्लाह ने क्या फरमाया ज़ुलुमातुन बादुहा फौकबाद, एक के ऊपर एक या एक के नीचे एक या एक के ऊपर एक, अंधेरे अंधेरे।
इन अंधेरों में होंगे ये लोग, इनके आमाल। ये समझते हैं कि हमें रोशनी, हम रोशनी में हैं, हमें फायदा होगा, रोशनी से फायदा होता है, अंधेरे से नुकसान होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने मिसाल दी है दूसरी यहां ज़ुलुमात की, और वो भी कैसी मिसाल दी है, देखिए अल्लाह ने बयान फरमाया, इनका हाल ये है उन अंधेरों के जैसे जो निहायत गहरे समंदरों की तह में हो, जिसके ऊपर मौजों ने ढांक रखा हो, तो मौजों का अंधेरा अलग, फिर उसके ऊपर से बादल छाए हुए काले काले, उनका अंधेरा अलग। अलगर्द ये अंधेरों में एक के नीचे एक पड़े हुए हैं। और हालत क्या है अंधेरे की, तारीकी की हालत क्या है, इदा अखरज यदहु लम यकद यराहा, हाथ भी शायद नजर ना आए अंधेरे की वजह से, इतना खतरनाक किस्म का अंधेरा है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये अंधेरों की मिसाल दी है, इसकी अहले कुफर की, अहले शिर्क की, अहले बातिल की, अहलुल बिदा की, कि इनको इन अंधेरों से कोई फायदा नहीं होगा, भटकेंगे इसमें, ये परेशान होंगे जब कोई चीज नजर नहीं आ रही है, रोशनी ही नहीं है, ये समझ रहे थे कि हमारे लिए रोशनी होगी, कुफर हमारे लिए रोशनी होगी, शिर्क हमारे लिए रोशनी होगी, इससे रोशनी से जिस इंसान को फायदा होता है ना, वैसे ये समझते थे कि हमें इससे फायदा होगा, लेकिन अल्लाह ताला ने मिसाल देकर बता दिया कि इनको कोई फायदा इससे नहीं होगा, बल्कि अंधेरे में जैसे अंधेरे से नुकसान होता है, और वो खतरनाक किस्म का अगर अंधेरा हो तो बिल्कुल ऐसे ही अंधेरों में ये लोग होंगे, और ईमान के नूर से इनकी जिंदगी खाली थी, इनके दिल अंधेरों में थे, इनके दिलों में तारीकी थी, ईमान रोशनी है इनके पास नहीं थी, तौहीद रोशनी है, नूर है, उससे ये लोग दूर रहे, शिर्क के तारीकियों में पड़ गए, सुन्नत रोशनी है, ये लोग बिदात में रहे, नेक अमल रोशनी है, लेकिन ये बदआमालियों में अपनी जिंदगी गुजारने लगे। तो इंसान अगर अल्लाह उसको रोशनी ना दे, इसलिए आगे देखिए क्या फरमाया अल्लाह ने, وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ, आयत का आखिरी हिस्सा, فَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ, अल्लाह ताला अगर किसी को नूर न दे, नूर यानी तो रोशनी, तो फिर उसके पास अंधेरा ही होगा सिर्फ, फमा लहू मिन नूर, उसके पास नूर या रोशनी नहीं होगी। तो रोशनी नूर क्या है, ईमान की रोशनी, अकीदे का नूर, ईमान नूर है, अकीदा नूर है, सुन्नतों पर अमल करना ये नूर है, ये रोशनी है। तो अगर अल्लाह ताला हिदायत न दे किसकी, अल्लाह हिदायत न दे ईमान की, आदमी कुफर के अंधेरों में भटकता रहेगा। अल्लाह ताला तौहीद की रोशनी से मुनव्वर ना करे अगर किसी को, तो शिर्क के दलदलों में वो फंसता जाएगा। और अगर अल्लाह ताला किसी को तौफीक न दे सुन्नतों पर अमल करने की, किसी को अल्लाह तौफीक ना दे, अल्लाह से तौफीक मांगी है मेरे भाई और बहनों, तौफीक बहुत बड़ी नेमत है, हिदायत है, रोशनी है, नूर है। तो अल्लाह ताला अगर किसी को सुन्नत पर अमल करने की तौफीक न दे, तो वो रोशनी से महरूम हो गया। सुन्नत पर अमल की तौफीक ये रोशनी है, ये नूर है, इंसान की जिंदगी से मुनव्वर होती है, दिल बाग बाग होता है जब उसको पता चलता है कि मैंने ये दो रकात सुन्नत के मुताबिक पढ़ी, मेरा रोजा सुन्नत के मुताबिक, मेरा वजू सुन्नत के मुताबिक, मेरी तिलावत सुन्नत के मुताबिक, मेरी किरात सुन्नत के मुताबिक, मेरा उमरा सुन्नत के मुताबिक, मेरा हज सुन्नत के मुताबिक, मेरा सदका सुन्नत के मुताबिक, मेरे सारे आमाल सुन्नत के मुताबिक, बड़ा इत्मीनान होता है। जैसे रोशनी से इंसान मुतमईन होता है, खुश होता है, सारी चीजें क्लियर क्लियर नजर आ रही हैं, बिल्कुल मुनव्वर जिंदगी उसकी हो जाती है अगर वो सुन्नतों पर अमल करता है, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से नूर है, अल्लाह की तरफ से हिदायत है, अल्लाह की तरफ से तौफीक है। लेकिन अगर कोई इस तौफीक से महरूम हो जाए, और अगर कोई इस हिदायत से महरूम हो जाए, ये रोशनी ही नहीं है उसके पास, न ईमान है उसकी जिंदगी में, न उसकी जिंदगी में अकीदा है सही, न उसकी जिंदगी में सुन्नतों की रोशनी है, सुन्नतों पर अमल है, फमा लहू मिन नूर, समझ जाओ फिर वो अंधेरे में, जो ऊपर मिसाल दी है अल्लाह ताला ने आयत के शुरू में, कि वो एक के बाद एक अंधेरों में फंसा हुआ है।
समंदर की गहराई का अंधेरा, इसके ऊपर मौजों का अंधेरा, जो मौजों ने उसको ढांक रखा है, और उसके बाद काले काले बादलों का अंधेरा, इस अंधेरों में रहेगा वो, फमालहु मिन नूर, उसके पास कोई रोशनी नहीं होगी। लेकिन इसके बरक्स अहले ईमान ये मुनव्वर जिंदगी गुजारते हैं, ईमान की रोशनी उनके पास होती है, और सही अकीदे वाले तौहीद जैसे अजीम नेमत से अपनी जिंदगी को मुनव्वर करते हैं। और अहलुस सुन्ना वल जमा, अहले सुन्नत जो सुन्नतों पर अमल करते हैं, उन्हें पता है हम ये काम बिल्कुल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक कर रहे हैं, कितनी खुशी उनको होगी, कितनी अच्छी जिंदगी उनकी होगी, मुतमईन इत्मीनान बख्श उनकी जिंदगी होगी, ये अहले ईमान का हाल होता है। लेकिन यहां चूंकि इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने अहले कुफर अहले बातिल के बारे में बयान किया कि वो जुल्मात में है, अंधेरों में है, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए मौजूद सामईन कि अल्लाह ने मुझे और आपको ईमान जैसी नेमत से नवाजा और कुफर से हमें अल्लाह ने महफूज रखा। उसके बाद अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए अकीदे तौहीद पर, अगर कोई शिर्क में है तो वो बड़े अंधेरे में है, तौबा कर ले अपने शिर्क से, अल्लाह तौबा कबूल करता है। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला उसको शिर्क से महफूज रखे, क्योंकि शिर्क बड़ा भयानक अंधेरा है, भटकता जाता है, भटकता जाता है, हमेशा नुकसान में रहता है। अकीदे तौहीद बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह अकीदे तौहीद पर कायम रखे, अकीदे तौहीद पर हमारी मौत हो जाए। सुन्नतों पर अमल करना बहुत बड़ी नेमत है, एक नूर है अल्लाह की जानिब से, तो इस नूर की कदर करे इंसान और हमेशा सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारे। उसकी इबादत चाहे वो जाहिरी हो या बातनी हो, कौली हो या फैली हो, सुन्नत के मुताबिक होनी चाहिए, सुन्नतों की रोशनी में होनी चाहिए, जैसे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया वैसे उसको करना चाहिए, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को तालीम दी वैसे उसको जो है अमल करना चाहिए। और बिदात खुराफात बिदात या अंधेरा है, आदमी इसमें भटकता जाता है और बिदत करता जाता है लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगता, जर्रा बराबर उसका अमल कबूल नहीं होता। जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, मन अमिल अमलन लैस अलैहि अमरुना फहुवा रद्द। और एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, मन अहदथा फी अमरिना हादा मा लैस मिन्हु फहुवा रद्द। पहली हदीस का तर्जमा यह है, जो अमल करे हमारे हुक्म के खिलाफ, मन अमिल अमलन लैस अलैहि अमरुना, जिसने कोई भी अमल किया, दीन का कोई भी काम किया, हमने वो काम करने का हुक्म नहीं दिया, फहुवा रद्द, तो वो अल्लाह के यहां कबूल नहीं होगा, मरदूद होगा, यानी रद्द कर दिया जाएगा, रिजेक्ट होगा। और दूसरी हदीस में नबी सलाम ने फरमाया, मन अहदथा फी अमरिना हादा मा लैस मिन्हु फहुवा रद्द, जो हमारे दीन में कोई ऐसा काम करता है जो हमने इस दीन में नहीं बयान किया या इस दीन में नहीं है, उसका भी हाल वही है, उसका भी अंजाम वही है, रद्द, रिजेक्टेड, कबूल नहीं किया जाएगा। कबूल वही होगा जो ईमान के बाद इंसान सुन्नत के मुताबिक अमल करे। लिहाजा ईमान पर अल्लाह का शुक्र, हिदायत पर अल्लाह का शुक्र, अकीदे तौहीद पर अल्लाह का शुक्र, सुन्नतों पर अमल पर अल्लाह का शुक्र। अल्लाह ताला हमें ऐसे शुक्र की जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा, और इस वही पर अमल करने वाला जो वही है, कुरान भी वही है, सुन्नत भी वही है, उन्हें हिदायत है, अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। और अल्लाह ताला जो शिर्क में कुफर में मुबतला है, अल्लाह उन्हें हिदायत दे, उन्हें तौफीक दे कि वो कुफर से तौबा कर लें, शिर्क से तौबा कर लें, बिदात से तौबा कर लें, और ईमान की इस रोशनी में, सुन्नतों की रोशनी से अपनी जिंदगी को मुनव्वर करें। अल्लाह ताला सबको तौफीक अता फरमाए। अल्लाह से आखिर में दुआ है, अल्लाह ताला इन मिसालों को याद रखने की, इन मिसालों को समझने की तौफीक अता फरमाए, और तेरी एक एक नेमत का कमा हक़ हो शुक्र अदा करने की, अपने ईमान की हिफाजत करने की, और अपने अकीदे तौहीद की हिफाजत करने की, और अपने आमाल की हिफाजत करने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दुआना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.